चलिए स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिए बोर्ड पे, मैंने 21 तक कर लिए थे शायद, है ना? हमने 21 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 22। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 22 में डाउट है? पीडीएफ नोट्स तो हर किसी को मिल गया होगा। 22 में कितने स्टूडेंट का डाउट है बताइए? है आप में से किसी का जो ऑफलाइन है? नहीं है, यानी 22 क्लियर है। एक है श्रेयस, उसका डाउट है 22 में, बिल्कुल एक डाउट है। मैं फटाफट से एक बार सॉल्यूशन करता जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा बच्चों का डाउट नहीं है, तो जिसका डाउट है वो कवर होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है सर। क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर दो कंपनी है आर और एस, और बहुत सिंपल आर लिमिटेड एस लिमिटेड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो मैं कर लूँगा एक बार, आप वेरीफाई भी कर लोगे कि कौन सा डाउट में है कौन सा नहीं है, सभी बच्चों के लिए ठीक रहेगा ये। चलिए सबसे पहले देता है ये सेल्स। सर इस क्वेश्चन में जो सेल्स है वो 40 लाख है और दूसरे में 35 लाख। वेरिएबल कॉस्ट देता है तो माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहता है 30%। कैलकुलेटर लाए हो? मेरा कैलकुलेटर कौन ले गया? चलो आप कैलकुलेट करके बताते जाइएगा। और इसका 10 लाख, इसके बाद माइनस क्या करते हैं, ये जो आता है कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, ये आ जाएगा हमारा, और इसको माइनस करो 24। फिर माइनस करने के बाद आता है हमारा EBIT। सर EBIT कितने का आएगा हमारा? एक मिनट, कंट्रीब्यूशन नहीं निकाला, एक मिनट, कंट्रीब्यूशन है ये तो, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ उसको। अब माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन में गिवन है देखो 2.5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अगर मैं कर रहा हूँ इसको तो बस बच्चों के तसल्ली के लिए कि हाँ हो गया। जिन बच्चों का डाउट है वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में भी, जिन बच्चों का डाउट है तो दो रीजंस हैं, या तो पहली क्लास से नहीं देखी उसने वीडियो, या क्लास में एब्सेंट रहे, और तीसरा उनका बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बस और कोई डाउट नहीं हो सकता। EBIT 25 और माइनस इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट दे रखा है 14 लाख, नहीं है हाँ 14 लाख, और इसका 1.50 है। क्या आ गया ये? और इसका 20 लाख। सर क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको? क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज। तो DOL और DFL, पहले वाले के केस में क्या होगा, 28 डिवाइडेड बाय 25.5, 1 पॉइंट। दूसरे वाले केस में होगा 24.5 डिवाइडेड बाय 21, क्या आ गया,
DFL, DFL की बात करते हैं तो EBIT अपॉन EBT 25 लाख, ऐसा लग रहा मैं टाइम पास कर रहा हूँ, 25.5 लाख, 11.5, 2.21, 21.5, और क्या आ गया, 1 point, चलो हटाओ, ठीक है डन। चलो चलो कोई नहीं, क्या वो 1-2 पॉइंट आगे पीछे जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, करा दिया था या करना है? तेईस में बताइए डाउट। तेईस, चलिए मैं एक का कर देता हूं 23 का, ठीक है आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सबसे पहले आउटपुट देखो, यहां पे क्या कर रखा है, आउटपुट यूनिट दे रखा है और ये यूनिट है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सेल्स पहले का होगा 80,000, 8 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर करें तो यूनिट तो सेम ही रहेगा। देखो जो यूनिट सेल्स के लिए होता है वही यूनिट सबके लिए होगा, ठीक है, यूनिट तो सेम है, 80,000 मल्टीप्लाई 4, 3 पॉइंट क्या आ गया, 4.8 लाख कंट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं, माइनस फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट है क्या, 240, एक का ही कर रहा हूं मैं, बाकी तो आप कर लेंगे, क्या है 4 लाख, माइनस में इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट कितने का है, 1.2, चलिए क्या पूछा था क्वेश्चन में, DOL तीनों निकाल देते हैं, DFL और DCL, DCL सर ये आ जाएगा हमारा 4.8 डिवाइडेड बाय, अगेन मैं कहूँगा कुछ बच्चे जो देख रहे होंगे यही क्लास देख रहे हैं फर्स्ट, तो बोलेंगे सर पता नहीं अपनी मर्जी से फॉर्मूले करे जा रहे हैं, पहले 2-3 क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला बताया और सारी चीज़ें बताया, तो वो आपको देखोगे तभी समझ में आएगा। दो आ गया, सब में दो ही दो आने वाला है, 4 आ रहा है, 2.4, 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2, अब मल्टीप्लाई कर दो 2 × 2, 4, चलिए अगले क्वेश्चन पे। सर ये क्वेश्चन कॉपी है जो अभी करा है, फिर भी किसी का डाउट रहा हो तो आप पॉइंट पूछिए मुझसे, अभी जो करा है बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करने का फायदा है नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलिए ये वाला कुछ बच्चे कह सकते हैं कराने को, करा दिया ये, मैंने करा दिया, अच्छा ये मैंने करा दिया है, ठीक है ये डन हो चुका है पहले से, तो कब कराया, पिछली क्लास में कह रहे हो करा दिया, आप चेक कर लेना आप भी। चलिए 26, कितने बच्चों का डाउट है 26 में, मैंने कराया, अब पता नहीं देख लेते हैं भाई, 26 में किसी का डाउट है फिर भी बता दो आप, 26 में डाउट है किसी का तो बताइए, यस कुछ बच्चे कह रहे हैं, यस कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, 26 चलिए कर देते हैं,
यहाँ पे करते हैं, ठीक है 26। या इधर ही ले लेते हैं, बन तो रहा है लेकिन इधर ही कर लेते हैं, कोई नहीं चलो। आपके एग्जाम में ना, और ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना, देखो इसके ऊपर मैंने ना, ध्यान से देखो आप, तो इसके ऊपर मैंने क्या लिया हुआ है, आप यहां ध्यान से देखो, तो इसके ऊपर ईयर लिया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया हुआ है। तो ये 10 ईयर के क्वेश्चन है, जिसके ऊपर ईयर है वो 10 ईयर के। तो मैं देखो इस नोट्स के अंदर 10 ईयर भी पूरा कवर हो रहा है, बुक्स भी पूरा कवर हो रहा है, और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो तो है ही है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो आप जब प्रैक्टिस करने के लिए 10 ईयर लोगे ना, तो इन केस प्रैक्टिस करते करते जो आपका डाउट आएगा ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा आपका पहले ही। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, सेल्स। क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं लेकिन पढ़ लेते हैं। कहता है कि ईबीआईटी दे रखा है, पीएटी दे रखा है। अब सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको ना, ये फिक्स कॉस्ट है, टैक्स का रेट दे रखा है। द कंपनी वॉन्ट टू इंक्रीज पैट बाय 40% और व्हाट शुड बी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो सेल्स से नहीं स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा कहां से, क्योंकि पैट की बात कर रहा है, तो ईबीआईटी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ईबीआईटी सर, ईबीआईटी कितने का है, 20 लाख। माइनस क्या कर दे, नहीं कंट्रीब्यूशन से होगा क्या, व्हाट शुड बी परसेंटेज ईबीआईटी, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लीवरेज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए स्टार्ट कंट्रीब्यूशन से करते हैं। मैं सेल लिख लेता हूँ, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, सेल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स नहीं है कोई बात नहीं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकल के जो भी आएगा क्या बनेगा ये हमारा सर, ये बन जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स कॉस्ट क्या है सर, फिक्स कॉस्ट ये रहा 15 लाख, तो 15 लाख लिख लेते हैं। माइनस करते ही क्या आ जाएगा, ई बी क्या सर, ई बी आई टी क्वेश्चन में, बिल्कुल ई बी आई टी सबसे पहले ही दे रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने का है, इसको माइनस करने के बाद बता रहा है कि ये आ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, 20 में से 15 ऐड करोगे ना, तो ये 35 लाख, क्योंकि 15 में से हमने 20, 35 में से 15 माइनस किया होगा तभी तो 20 आया होगा, तो ये हमने नीचे से निकाल लिया। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट कितने का है, इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो इंटरेस्ट मान लेते हैं 0, ये 20 है, चलो कर दिया अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या पीछे जाना, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, तो आ गया ई ए टी कितने आ गए, 20 लाख। माइनस क्या कर दे हम, टैक्स ई ए टी दे रखा है, ई ए टी कहाँ दे रखा है, अच्छा पैट 9 लाख रुपए दे रखा है, पैट दे रखा है 9 लाख, सर कितने का है, 9 लाख, तो सर इंटरेस्ट कितने का होगा, इंटरेस्ट होगा 11 लाख रुपए का। टैक्स माइनस कर देंगे कितना, 40% कितने होते हैं, 3.6 लाख, क्या आएगा 5 पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लीवरेज बताइए फॉलोइंग डेटा गिवन।
अभी मैं डाउट लूंगा हर किसी का, अभी किसी का डाउट नहीं लूंगा, पहले मैं देख लेता हूँ क्या। अच्छा आप सबने बोल दिया ना कि ये कर रखा है, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था करने का। ईबीटी और ये अभी डाउट लेंगे, कुछ बच्चों का हैंड रेज का आ रहा था। ठीक है अब तो डाल तो दिया इंटरेस्ट, क्यों अभी स्टेटमेंट बना लिया ना हमने, स्टेटमेंट बना लिया, स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत? अगर एग्जाम में ब्लैंक देखो, अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूँ, सारी बातें करेंगे। 5 लाख EBIT, 15 लाख टैक्स, 6 लाख क्या है? अरे आप सबने फालतू में, मैं खुद ही करूँगा, हटाओ भाई हटाओ, दोबारा कर रहे हैं इसे, मैं दोबारा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत बच्चे डाउट भी पूछने लग गए हैं आप लोगों से पूछ के, मैं कंफ्यूज हो गया, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। चलिए अब जिनका डाउट हो रहा था उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन आप देखते जाइएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे 15 लाख, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आएगा EBIT, और EBIT क्वेश्चन में दे रखा है 20 लाख, तो ये जब ऊपर जाएंगे हम तो 35 लाख, इसके बाद आगे चलते हैं हम, माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दे रखा है हमें और टैक्स का रेट दे रखा है, तो इंटरेस्ट तो अभी रहने देते हैं। यहाँ पे जो भी निकलेगा पैट निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है हमें, कितने का दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये नहीं आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी वट एवर अमाउंट होगा ये आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ जाएगा हमारा, अर्निंग बिफोर टैक्स ये भी नहीं पता, माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद PAT होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या EAT ये दे रखा है, ये कितने का दे रखा है 9 लाख रुपए का। ठीक है अब 9 लाख से हम EBT पे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 9 लाख में कितने परसेंट माइनस होने के बाद है, EBT ये है, इसमें माइनस होने के बाद कितने परसेंट माइनस होने के बाद 40%, इसका टैक्स रेट है 40, इसका मतलब ये 60 होगा, तो डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 कितने आ गए ये, इसको डिवाइड करिए बताइए कितने, 6 लाख, क्या बात कर रहे हो, अरे 100 से गुना किया है और 60 से डिवाइड किया है, पंद्रह लाख ये आया 15 लाख, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 लाख, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 लाख, ये स्टेटमेंट मैंने बना दिया। अब बताइए किसी का इस स्टेटमेंट में डाउट है तो, पहले गलत सलत हो गया था, काफी बच्चे डाउट पूछे थे इस स्टेटमेंट में डाउट, चैट में बताइए, अभी मैं इस पर ले नहीं पा रहा हैंड रेस का, चैट में बताइए किसी का डाउट है इसमें तो, अभी तक बताइए, चले आगे। हाँ जी अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक तो आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग फॉलोइंग डेटा, यानी इस डेटा से, तो ऑपरेटिंग लीवरेज सर क्या होगा,
ईबीआईटी, ऑपरेटिंग ईबीआईटी, तो डिवाइडेड बाय करेंगे अगर हम, देखो कुछ बच्चे ऑफलाइन के अंदर बातें कर रहे हैं, अगर उनको बातें करना है तो डोर ओपन है और जीने पे बैठ के आराम से बात करें, बताइए कितने, 7। अब यहाँ पे आएगा आपका डीएफएल, डीएफएल सर, डीएफएल में क्या लोगे आप? आप लोगे सर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो सर यहाँ पे आएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 1.33। चलिए अगला पॉइंट है कि अगर हमारा पैट बढ़ जाए, व्हाट शुड बी परसेंटेज इन ईबीआईटी, यानी क्वेश्चन करना चाहता है कि इसके बीच का रिलेशन, तो ईबीआईटी में चेंज क्या होगा? तो यहां पे देखा जाए तो इसके बीच के डिफरेंस की बात करें ना ईबीआईटी और इसमें, तो दिमाग लगाना है आपको, सिर्फ डीएफएल इफेक्टेड हो रहा है, तो यहां पे हम डीएफएल से निकाल सकते हैं। डीएफएल से कैसे निकालेंगे, क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन, फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? अब परसेंटेज चेंज पूछा है इसने, ठीक है ना, ईबीआईटी, या फिर मैं एक स्टेटमेंट बना के भी करके दिखा दूं। आपने बोल, आप सबने बोला सर करा रखा है, फॉर्मूला बताइए, चलिए बताओ, परसेंटेज चेंज ईबीटी पीएटी डिवाइडेड बाय डी। अब कितने बच्चे हैं भाई, लाइव वाले भी बता दो और ऑफलाइन वाले भी बच्चे बता दो, सही है गलत है, रजिस्टर में तो नोट करा होगा, चेक कर लीजिए, लाइव वाले बच्चे बताएं सही है कि गलत है, जो फॉर्मूला लिखा है आपके सामने। सभी बच्चे चेक कर रहे हैं लग रहा है, आप बताइए, लिखवाए नहीं है, आप बोल रहे क्वेश्चन कौन कब करा था ये क्वेश्चन? अभी दिखाते हैं आपको, सत्रह, ये देखिए यहां पे बताया भी था परसेंटेज, दोनों तरीके से मैंने करके भी दिखाए थे, यहां पे, यहां पे फॉर्मूला नहीं लिखा था हमने, बस यहां पे करके दिखा दिया था 16 पे, एक मिनट, ये रहा, नहीं DOL का है तो, अरे आप सब ने पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ लिया है, नहीं करा यार आप सब ना, पता नहीं कहाँ क्या करते हो, भगवान जाने आप लोगों का, बस बस समझ गया आपने सेम कितना किया है, फॉर्मूला नहीं लिखा है, बस आप मुझे करने दीजिए, ठीक है, मैं इसको प्रूफ भी करूँगा, अभी तक फॉर्मूला पूछा तो आप चुपचाप बैठे थे, अब इसको मैंने वहां पे फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, सेम है मान लिया, लेकिन फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना पड़ेगा ना, मैंने फॉर्मूला लिख दिया लेकिन समझाना भी तो जरूरी है। चलिए इसके साथ साथ मैंने बताया था एक लॉन्ग मेथड से हम चेंजेस निकाल के और फिर फॉर्मूले को करते हैं, कहता है ये इफ कंपनी वॉन्ट टू इंक्रीज पैट बाय 40%, पैट का मतलब 9 लाख में 40% जोड़ोगे तो 9 लाख का 40% होता है 3 पॉइंट, तो यानी 12, ये तो अब टैक्स निकालना है आपका, इट मींस आपको अगर इससे ऊपर जाना है तो कौन बच्चा बताएगा, जो बच्चा लाइव क्लास में फटाफट बताइए, मुझे यहाँ पता है कि टैक्स 40% है और इसका मतलब ये वाला जो पैट होगा हमेशा 60% के बराबर होगा, मुझे इससे ऊपर जाना है तो या तो आप मुझे टैक्स का अमाउंट बताइए या फिर मुझे बताइए ईबीटी का अमाउंट, टैक्स क्या आएगा? 8.40,
8.4 लाख, और ये क्या आएगा बताओ? 21 लाख। कैसे आया उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है आपका 12.6 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 60 अभी किया था ना इनटू 100, जो मैंने प्रोसेस यहाँ फॉलो किया है वही यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट फिक्स है, ये क्या आ गया 15 लाख फिक्स है, ये क्या आ गया बताओ? 26 और 15, 41। 26 और 15, 41। अब एक बार चेक कर लो, देखो फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूला समझना भी होगा। अब क्वेश्चन ने पूछा था पैट में 40% इंक्रीमेंट हो गया, तो हमें ये पता है कि इसके अंदर इंक्रीमेंट जो है ना यहाँ पे 40% तो लग रहा है जी। ईबीआईटी के अंदर इंक्रीमेंट पता कर लो सर, ईबीआईटी सॉरी ईबीटी के अंदर इंक्रीमेंट पता कर लो, क्योंकि पूछा किस में इसने, ईबीआईटी, तो ईबीआईटी के अंदर इंक्रीमेंट, तो कितने का इंक्रीमेंट लगा 6 लाख। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 लाख डिवाइडेड बाय किससे करें, पुराने वाले इससे करते हैं 20 लाख इंटू में, तो बताइए ये तो पता चल गया। अब हमें निकालना है डायरेक्ट विदाउट ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़े। तो आप देखिए हमारा डीएफएल से कनेक्शन है, डीएफएल कितने परसेंट है हमारा 1.3। आप एक काम कर सकते हैं, कैलकुलेटर कहाँ चले गया मेरा, डिवाइड करिए इसको, करिए डिवाइड, फॉर्मूला लिखा है ना, कितने आ रहे हैं 0 से, वो पॉइंट हमने पूरा नहीं लिया ना, अगर आप ये पूरा 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 13333 लास्ट तक लेंगे तो इसका मतलब सर यहाँ पे पैट परसेंटेज चेंज, जो कि हमारा परसेंटेज चेंज डिवाइड 40 और डिवाइडेड बाय हम डीएफएल कर दें 1., तो मुझे रिजल्ट क्या मिल जाएगा यही। अब जिसका डाउट है तसल्ली से पूछ लीजिए, जिसको हैंड रेज करना है कर लीजिए। आप फॉर्मूला देखिए, एक जगह लिखना है आपको सारे फॉर्मूले, देखिए धीरे धीरे करके कितने फॉर्मूले बन गए, डीओएल का बन गया, डीएफएल का बन गया, डीसीएल का बन गया, आरओआई का बन गया, आपका ब्रेक इवन पॉइंट का बन गया, परसेंटेज चेंज इन सेल्स का बन गया जब डीएफएल हो, और आपका डीसीएल हो जब आपका डीओएल हो, सब में बन गया ना आपका धीरे धीरे। चलिए जितने बच्चे डाउट पूछे प्लीज पूछिए आप, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड बताइए मानसी। ईबीटी के बाद 40%, ये इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको ये पता चल गया और ये पता चल गया तो बीच का डिफरेंस टैक्स रहा होगा। वैसे भी आपको पता है यहाँ पे जो है मैंने क्या करा था, 100 डिवाइडेड बाय 60, तो क्या आया था ये 15 लाख आया था, तो मैंने 15 लाख यहाँ पे लिख दिया और इसके बीच का डिफरेंस आ गया। अगर आपको पता चल गया 50 लाख, तो आप इसका 40% भी निकाल के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, 15 लाख का, 15 लाख का 40% होगा हमारा 6 लाख, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आप इसकी बात कर रहे हैं, आपने कितने क्लासेस लिए पहले ये बताओ स्टार्टिंग से, तो उसके अंदर परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या होता है डिफरेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय जो हमारा प्रीवियस डेटा हो, यानी आपका प्रेजेंट, एक होता है प्रोस्पेक्टिव मतलब आने वाला, और एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट डेटा। तो सर यहाँ पे क्या था, डिफरेंस आ गया था हमारा कितने का 6 लाख का, और प्रेजेंट वाला कितना है हमारा 6 के जगह पे 20, तो ये 20 निकाला था हमने जो कि आ गया हमारा, ठीक है। 6 20 इंटू में 100 करोगे परसेंटेज आ जाएगा। ये परसेंटेज मैंने ट्रेडिशनल तरीके से मतलब लेंथी मेथड से निकाला है, शॉर्टकट ये मेथड है जी, ठीक है। हाँ जी बताइए डाउट। सर मेरा डाउट ये है कि इंटरेस्ट किस कोर्स से मिलेगी क्या,
इंटरेस्ट ऑन, हाँ बिल्कुल, जी फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता, चाहे हमारा कितना भी बढ़ रहा हो, जब तक अनटिल अनलेस क्वेश्चन बोले ना, फिक्स सेम रहेगा ये। अगर तीसरा भी कोई प्लान होता तब भी मैं सेम ही लेता इसके आगे। ओके सर, हाँ जी बताइए। आ रही आवाज आप? हाँ जी आ रही आवाज, बताइए आप। हाँ हाँ नहीं, 40/100 क्यों लेंगे? मैंने इसका, आप इसकी बात कर रहे हैं, ये अलग चीज है, ये पीएटी की बात नहीं कर रहा। ये हमने जो फाइंड किया है वो तो ये निकाला है हमने, ईबीटी, पीएटी का परसेंटेज जो चेंज करके निकालने की बात कर रहे हैं, वो तो कहीं यूज ही नहीं किया मैंने पूरे क्वेश्चन में। पीएटी का बस यहाँ यूज किया, ये देखो आप बोल रहे हैं ना 40% ले सकते थे, तो देखो मैंने 40 लिया डिवाइडेड बाय 1.3। ये वाला पोर्शन काफी बच्चों को डाउट हो सकता है, मैं फटाफट से बता दूं आपको, एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं। जैसे मान लो आपका अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट 100 रुपये, सिंपल सा एग्जाम्पल है, और मेरा टैक्स जो है वो 20% है टैक्स, तो आप 20 निकालोगे तो बैलेंस क्या आएगा आपका, 80 आ जाएगा। सर 80 आ गया, अब एग्जामिनर ने क्या करा, आपको फाइनली ये दो चीज़ें हाइड कर दी, आपको 80 दे दिया जो हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और बोला कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 20% माइनस करने के बाद है, तो इसका मतलब अब आपको बोला जाए कि सर इससे वापस यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या करेंगे, तो आप सिंपल सी बात है 80 लिखोगे और 20% माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय 80 और इंटू में 100, तो आप पहुंच जाओगे सीधा वहां पे जो कि है 100। तो काफी टाइम पे आपने पहले भी किया होगा ये टॉपिक, हर किसी को क्लियर है कि हम कैसे जाएंगे, आरओआई वाले टॉपिक में भी देखा था, और आपने रेशो वगैरह किया हो पहले तो उसके अंदर भी होता है, जब नीचे से ऊपर जाते तो। क्लियर है? अब किसका डाउट है लास्ट इसका, चलिए बताइए। सर, जो आपने रिलेशनशिप समझाया था कि ये ईबीआईटी और पीएटी में टीएफएल का रिलेशनशिप क्या कैसे बोल आ रहे थे जब आपने फॉर्मूला लिख दिया? मैंने कहा था कि जब कभी भी आपका कोई भी परसेंटेज चेंज, अब दूसरे जो भी बच्चे हैं सभी देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे भी लग रहा था कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा। जब कभी भी चेंज की बात करे तो आप चेंज में देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक चेंज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ इंटरेस्ट इम्पैक्ट हो रहा है, तो जब इंटरेस्ट इम्पैक्ट आएगा तो वो डीएफएल से ही रिलेटेड होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए नीचे मैंने डीएफएल रखा है। अगर बाय चांस वो पूछ लेता कि सेल्स में चेंज बताओ, तो सेल्स में चेंज पूछता तो वो नीचे से यहां तक जा रहा है, तो अब बताइए क्या इंपैक्ट में आएगा, डीसीएल आ जाएगा, क्योंकि दोनों बातें आ गई ना। अगर वो यहां से यहां तक की चेंजेस बात करता, यहां से यहां तक की बताइए चेंजेस, तो यहां पे सिर्फ इंपैक्टेड क्या होगा, डीओएल, तब डीओएल का यूज करेंगे हम डिवाइड करने को या मल्टीप्लाई करने को, डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेल्स निकालने को बोला जा रहा है या फिर ईबीआईटी निकालने को बोला जा रहा है। समझ में आई बात आपको? तो वो फॉर्मूला सारा मैं एक बार लिख के भी आपको बता दूंगा, और आप सभी उसको लिख लेना एक बार, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, क्योंकि फॉर्मूला बढ़ते जाएंगे, अभी तो स्टार्ट है और सबसे बेसिक चैप्टर है, क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके अगले वाला चैप्टर है उसके अंदर भी फॉर्मूला आएगा, आगे भी आएगा, तो मतलब कि बस आपको समझना है इसको। सर, ईबीटी और पीएटी में भी रिलेशनशिप होता है, ईबीटी एंड ईएटी, ईबीटी और बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स? इसमें कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं निकल सकता, अगर यहाँ पे डिविडेंड होगा तब निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये तो हमारा टैक्स है, इसमें कोई भी नहीं देखना, हमें फिक्स कॉस्ट का देखना है सिर्फ, जहाँ पे हमारा बर्डन फिक्स है और उसे कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया, वेरिएबल ना हो फिक्स, वहाँ पे होता है। अगर इंटरेस्ट फिक्स है तो फाइनेंसिंग लीवरेज, अगर
आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है तो ऑपरेटिंग लीवरेज, दोनों को अगर ले लिया जाए तो कंबाइंड लीवरेज, क्योंकि टैक्स क्या है, वेरिएबल। 100 कमाओगे तब 100 के हिसाब से टैक्स दोगे, 200 कमाओगे तो 200 के हिसाब से टैक्स दोगे। अब सेल्स क्या है, वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे कोई हम चेक ही नहीं करते यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी भारत बताइए। रेट 12,60,000। आपकी कौन सी क्लास है पहले ये बताइए, फर्स्ट है या पहले ले चुके हो आप? आपने स्टार्टिंग से क्लासेस अगर नहीं ली तो फिर दिक्कत होगी आपको। 12,60,000 रुपये जो ये कह रहे हो समझ में नहीं आया, ये वाला बोल रहे हो ना? 12,60,000 रुपये जो है 21 लाख में से जब हमने ये माइनस किया, या इसको डायरेक्टली मैंने फाइंड करके दिखाया था। कहाँ दिखाया था भाई 12 लाख? कहीं तो दिखाया मैंने, ये रहा 12,60,000। इसमें क्वेश्चन में कहता है कि आपका ये बढ़ जाए कितने परसेंट, तो 9 लाख पे 40% बढ़ा के दिखा दिया मैंने। और आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि सारी क्लासेस देखें वन से, नहीं तो बीच में फिर डिस्टर्बेंस आने लगेगी आपको। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मुझे दो क्वेश्चन तो मुझे कराना है खुद ही है, क्योंकि मुझे याद है। चलिए इसमें बताइए डाउट 27। कितने बच्चों का डाउट है 27 में? ऑफलाइन में जो भी बच्चे, अगली क्लास में सबका रजिस्टर चेक करूंगा शुरू से लेके, जो बैठे हैं चुपचाप। द फॉलोइंग डेटा एक्स, बताइए किसी का कोई डाउट इसमें। द कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, अगर EBIT इंक्रीज हो जाए 10%, द व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब देखिए EBIT और सेल्स, और EBIT और सेल्स के बीच में पकड़ लीजिए क्या है, फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ मैं, तो फिक्स कॉस्ट है और वहां से DOL निकलेगा, तो इसका जो भी निकालना पड़ेगा वो किसके हेल्प से निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली DOL के हिसाब से। ठीक है, किसी का डाउट है बताइए। और ऑल दो इस टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं जो क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ आपको पहले एक बार वो करा दूं, किसी का डाउट रहा भी तो वो देख लेंगे। ठीक है, मैं करवाना चाहता हूं, ये भी नहीं करवाना मुझे, ये भी हम बाद में, ये कर लिया क्या? नहीं कर लिया, पहले मैं अपने क्वेश्चन करा देता हूं जो मैंने आज सोचा था, ये करते हैं पहले। ये थोड़ा सा अलग, सर इसे क्यों करवा रहे हो, इसमें क्या अलग है वो देखते हैं। देखिए इसमें आंसर ना दे रखा है आपको, कैसे आंसर दे रखा है, क्वेश्चन में क्या कहता है, द फॉलोइंग डिटेल आपका बंकर लिमिटेड का आपको दे रखा है, बैंकर्स लिमिटेड का दे रखा है, ईयर एंडेड, इससे कोई मतलब नहीं। कहता है ऑपरेटिंग लीवरेज हम बता रहे हैं, लेकिन सर ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, अभी तो हम पॉइंट में देख रहे थे, यहाँ इस टू में है, तो इसका मतलब जब 3:1 है ना, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज 3 है, क्योंकि 3/1 करोगे आप तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना माना जाएगा, 3 माना जाएगा। ठीक है ना, अब ये कहता है फाइनेंसिंग लीवरेज 2:1, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 है, पहले तो ये क्लियर हो गया। कहता है इंटरेस्ट चार्ज पर एनम, यानी आपको इंटरेस्ट दे दिया इसने कि 20 लाख रुपए चार्ज होगा। कॉरपोरेट टैक्स, यानी कॉरपोरेट टैक्स का मतलब कंफ्यूज ना हो, वही इनकम टैक्स है, कई बार क्वेश्चन में कॉरपोरेट टैक्स के नाम से बदल के दे दिया जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, समझ रहे हैं बात। चलिए अब कहता है कि सर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 60%, आपको प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट आपको बना के दिखाना है, जो कि हम स्टार्टिंग से सीखते आए हैं। ठीक है, चलिए इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। चलिए सर इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले लिख लो पूरा ना, और जो जो चीजें मिलता जाएगा करते जाएंगे। सबसे पहले आएगा सेल्स, नहीं पता कोई बात नहीं लिख के छोड़ देते हैं, फिर माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है
कंट्रीब्यूशन, इसके बाद हमारा जो माइनस हो जाता है फिर से, माइनस होता है हमारा फिक्स कॉस्ट, और फिर जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई बी आई टी। सिंपल तरीके से मैं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ अपना स्टेटमेंट, ब्लैंक स्टेटमेंट एक तरीके से। अब इसके बाद क्योंकि टैक्स भी है तो पीएटी तक जाएंगे। अब इसमें से क्या माइनस कर दें हम, सर इसमें से माइनस कर दीजिए आप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या निकल के आएगा, ई बी टी, ई बी टी। अब फिर से माइनस करिए इसमें से क्या निकल के आएगा, न्यू आएगा ना पहले ई बी टी, जैसे माइनस ई बी टी आया, ई बी टी में से क्या माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स के माइनस करते ही हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो है पी ए टी। अब इसको मैं कॉलम भी कर देता हूँ, एक रिजल्ट यहाँ आएगा, फिर से एक रिजल्ट यहाँ आएगा। वैसे इसको दो नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे चलता जाता है ना, एक रिजल्ट यहाँ, एक रिजल्ट यहाँ, एक रिजल्ट यहाँ, ये प्रिपेयर कर लिया, और ये आप सबको फर्स्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, अब क्वेश्चन करते जाएंगे। सबसे पहले आप देखो आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट का कनेक्शन किससे है ये चेक करो, फाइनेंसिंग लीवरेज से या ऑपरेटिंग लीवरेज से। फाइनेंसिंग लीवरेज से, तो पहले हम डीएफएल का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। सर पहले हम डीएफएल का फॉर्मूला ओपन करते हैं। डीएफएल क्या कहता है, डीएफएल कहता है ई बी टी डिवाइडेड बाय, सॉरी ई बी आई टी डिवाइडेड बाय ई बी टी, यही कहता है। सर डीएफएल क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में डीएफएल गिवन कितना है, दो। ई बी आई टी नहीं पता, चलिए ई बी आई टी लिख लिया, लेकिन ई बी टी नहीं पता, लेकिन ई बी टी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं हम, ई बी आई टी लिख के और माइनस में हम इंटरेस्ट करके लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो तो माइनस इंटरेस्ट, मैं अभी फॉर्मूला बना रहा हूं, ठीक है। तो सर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दो ई बी आई टी डिवाइडेड बाय ई बी आई टी, माइनस में इंटरेस्ट था 20 लाख, सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2/1 है ये, 2 भी ई बी आई टी, -40 लाख इजिकल टू, तो आपको क्या मिलेगा, ई बी आई टी इधर माइनस होगा, ये इधर पॉजिटिव में चले जाएगा, तो आप कहोगे सर ई बी आई टी हमारा आ गया 40 लाख। जैसे ही आपको ई बी आई टी मिला तो ई बी आई टी कनेक्शन डी ओ एल से होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से। अब हम यहाँ पे इजीली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड कर सकते हैं। डी ओ एल का फॉर्मूला होता है ई बी आई टी डिवाइडेड बाय, बताओ। अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अगर हम यहां पे लेके चलें तो ये कितना दे रखा था हमें, 3/1, और कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता, लेकिन ई बी आई टी हमने यहां निकाला है जो कि 40 लाख है। तो आप ध्यान से देखो इसको, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 120। कोई दिक्कत, मैं इसी को डेटा को फिल कर देता हूं। सर कंट्रीब्यूशन बता दिया आपने 120 लाख, फिक्स कॉस्ट आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं, ईबीआईटी तो बता दिया आपको, तो क्या फिक्स कॉस्ट बता दोगे, डिफरेंस।
80 लाख रुपए। चलिए सर आगे चलते हैं। अब सर यहां पे ईबीटी आपने एक तो फिक्स कॉस्ट बताइए, इंटरेस्ट क्वेश्चन वाले दे रहे हैं हमें कितने का दे रहे हैं, तो चलिए यहां अगर आप 20 लाख लिख दो तो आप तो ये भी निकाल पाओगे, ठीक है ये भी निकाल पाओगे 20 लाख। एक सेकेंड शायद, एक मिनट होल्ड करना, शायद वहां का चार्जर बंद हो गया। आप मुझे बताइएगा कहाँ से स्टॉप हो गया था ताकि मैं बता पाऊँ, कहाँ से स्टॉप हो गया था आपका, क्योंकि लाइट का इशू था। यहाँ तक हर किसी को क्लियर है ताकि मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊँ आगे। हर किसी को यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, कमेंट में बताइए हर किसी को क्लियर है। शायद कमेंट दिख नहीं रहा मेरे को, क्लियर है, ब्लैंक आ रहा था, ठीक है वो मैं देख नहीं पाया, सबको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ये मिट गया। यहाँ क्या लिखा था मैंने, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, पहले ही लिखा था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ना। अब हम यहाँ से चलते गए थे, कंट्रीब्यूशन पे कंट्रीब्यूशन लिख दिया, कंट्रीब्यूशन 40 आ गया था ना हमारा। चालीस लाख अब धीरे धीरे आगे चलते गए थे, कंट्रीब्यूशन में रखा, फिक्स कॉस्ट निकाला, ये कैसे निकाला था पता है, मैं आगे लिखता जा रहा हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर था इन दोनों के बीच का। इंटरेस्ट गिवन था, ये हमने क्या करा यहाँ से माइनस करके निकाल लिया, वैसे तो ये बैलेंसिंग फिगर निकला, माइनस तो ये भी हो रहा है। टैक्स रेट क्वेश्चन में देता है आपको 50%, तो आप ध्यान दो तो ये भी कितना आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, तो ये कितना बनेगा आपका, कहीं ना कहीं देखो स्टेटमेंट बनने लगा है आपका। अब मुद्दे की बात है सर, वेरिएबल कॉस्ट कहता है कि कितने परसेंट है, इसके लिए आपको एक ध्यान से सुनिएगा आप, सेल्स जो है वो हमेशा होता है 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी होता है, जैसे मेरे वाले एग्जाम्पल में दे रखा है 60%, तो सर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 40%, इसका मतलब सर आप कहना चाहते हो कि ये 40% के बराबर है, बिल्कुल हाँ, ये कितने परसेंट के बराबर है, तो अगर ये आपका 40% के बराबर है तो डायरेक्टली आप 100% वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 40 के बराबर है, जितने के बराबर होता है डिवाइडेड बाय करते हैं, इनटू में 100, यानी परसेंटेज को रिवर्स कर देते हैं जब नीचे से ऊपर जाना होता है, तो ये क्या आ गया हमारा 300 लाख। तो ये अगर आपका आ गया 300 लाख, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो सर कि इसके बीच का डिफरेंस ले लो 180 लाख, या फिर इसका आप निकाल लो बात, ठीक है ये लीजिए जी, ये क्वेश्चन हो गया पूरा डन, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से सोचोगे ना कि ये कैसे होगा, कैसे करना है, नहीं करना है ये, तो क्वेश्चन रह जाएगा। सिंपल तरीका क्या होता है सर, सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप पहले एक ब्लैंक फॉर्मेट बना लो, तो आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, लेकिन जब मैंने फॉर्मेट बनाया
तो अगला स्टेप आता गया। बताइए किसी का डाउट? 3 करोड़, ठीक है, साक्षी का जवाब भी आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी बेसिस पे देखिए, अगेन यहां पे आपको क्या दे दिया है, अब इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है हर किसी को? ठीक है, अगेन क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, और ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे तो पहले भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन, वही मैं करवा रहा हूँ 10 ईयर के क्वेश्चन एग्जाम वाले। तो एग्जाम में कितने नंबर का आया था सर ये क्वेश्चन? जितने भी है या तो 7.5 नंबर का या 10 नंबर का, क्योंकि 15 नंबर में 2 क्वेश्चन दे देते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, ऐसे आता है। तो या तो 10 नंबर का या फिर 7.5 नंबर का आया हुआ है। तो चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं हम, इनकम स्टेटमेंट जब पूछा जाएगा तो हम सिंपली फॉर्मेट कितना चाहिए हमें, ज़्यादा एरिया तो चाहिए नहीं, यहाँ से कर लेते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले अगेन ऊपर आपने लिखना है, ध्यान रहे ऊपर आपने लिखना है इनकम स्टेटमेंट पूरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स, सेल्स में से अगेन माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारा निकल के आएगा रिजल्ट कंट्रीब्यूशन, ये लाइन भी खींच दिया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन के बाद फिर से क्या माइनस करेंगे हम, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद क्या निकल के आएगा हमारा ईबीआईटी, ईबीआईटी, ठीक है, ये एक आ जाएगा। फिर माइनस हम करेंगे इंटरेस्ट, अब देख लीजिए हमें पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक इन स्टेटमेंट ले जाना है या फिर पीबीटी तक ले जाना है। अगर टैक्स दे रखा है तो जाएंगे, अदरवाइज ऊपर ही रहेंगे। तो क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है यानी आगे तक जाना पड़ेगा, माइनस कर देते हैं हम यहां पे क्या इंटरेस्ट। जैसे ही हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे हमें एक और रिजल्ट मिल जाएगा, क्या ईबीटी, ठीक है। ईबीटी के बाद फिर माइनस क्या करेंगे हम इनकम टैक्स, और जैसे ही टैक्स माइनस करेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा सर, रिजल्ट मिल जाएगा ईएटी, और कैसे ही ईएटी मिला ये हमारा तैयार हो गया बनके क्या इनकम स्टेट, ठीक है। अब जैसे जैसे जो चीजें मिलेगा, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन क्वेश्चन को देख के हमने एक स्टेटमेंट बना लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है कि सर आपका जो वेरिएबल है, क्वेश्चन में कहता है कि वेरिएबल सेल्स है, कहता है वेरिएबल एक्सपेंस सेल्स का 66.7%। मैं एक कंपनी का करके दिखाऊं दोनों का, एक का चलो आपका होमवर्क रहेगा, वैसे तो दे चुका हूं मैं इसका कर दूंगा तो दूसरा खुद ब खुद कर लोगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। अब इंटरेस्ट जो है वो है 2 लाख, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 5, फाइनेंसिंग लीवरेज 3, और ये दे दिया। तो क्वेश्चन देखो तो बिल्कुल डिट्टो सेम, बस अमाउंट चेंज कर दिया। तो सबसे पहले काम, हमें इंटरेस्ट दे रखा है और इंटरेस्ट का कनेक्शन जो होता है वो किससे होता है, डीएफएल से, इंटरेस्ट का कनेक्शन होता है। चलिए डीएफएल का पहले फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा स्टाइल चेंज करके लिखा था हमने, क्या लिखा था ईबीआईटी और माइनस क्या करा इंटरेस्ट कर दिया था, है ना। चलिए पुट कर देते हैं, डी ओ एल हमारा डी एफ एल है 3 और ई बी आई टी नहीं पता जी, अगेन ई बी आई टी नहीं पता,
और माइनस 2 लाख। सॉल्व करिए, 6 लाख, सॉरी पहले ईबीआईटी लिख देना, 3 EBIT माइनस 6, कैसे 3 से मल्टीप्लाई करा, और ईबीआईटी। आप सभी को आंसर पता चल गया होगा, 2 बचेगा। तो ईबीआईटी का वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो आप। 2 बचेगा, 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, यानी। तो सर ईबीआईटी निकाल लिया, तो पहले लिख लेते हैं ईबीआईटी। अब किसका फॉर्मूला ओपन कर ले, डीओएल। सर डीओएल में क्या होता है, कंट्री डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो ये क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 6, 6 नहीं 3, 3 लाख, और ये आ गया कंट्री। तो सर कंट्री आपका निकल जाएगा, कंट्री क्या निकल जाएगा हमारा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये लीजिए 15 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन पे रख दिया। अब तो फिक्स कॉस्ट निकल सकता है ना, बताइए फिक्स कॉस्ट क्या होगा, डिफरेंस कितना, 12, 12 लाख। अब इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा था, क्या आ गया, टैक्स रेट क्वेश्चन में देखो आप थोड़ा सा अलग तरीके से दे रहा है। अगर आपको 0.35% दे रहा है तो इसका मतलब है 35%। आप सॉल्व कर लीजिए 35% को, जब 35 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा, 35 डिवाइडेड बाय जब 100 करेंगे तो रिजल्ट 0.35 ही आएगा हमारा, यहां परसेंटेज नहीं लगाना, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये है 35%, आप इस पे 35% लगाइए तो क्या आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा। अब रह गया एक कहानी ऊपर का, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये होता है परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज है तो बड़ी सिंपल सी बात है सर कि 100 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आता है। तो कंट्रीब्यूशन का अगर मैं परसेंटेज पूछूं तो 100 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट करोगे जो कि है 66.67, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 33 पॉइंट, और ये कैलकुलेटर में कभी खत्म नहीं होगा, तीन 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 तक जाता जाएगा। इसका मतलब ये है 33.333%। कौन सा स्टूडेंट है जो ये बताएगा मुझे, कैसे बताएंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 33 पॉइंट, पूरा लेना है कैलकुलेटर में, कितने आ रहे हैं, 45 लाख, 45 लाख, और डिफरेंस ये लीजिए बन गया। चलो आपने बता दिया था तो एक मैंने आपको दिया करने को, तो एक बच्चे का जवाब भी आ गया 45,04545। तो परसेंटेज का डिफरेंस होगा, मैंने आपका क्या करा, राउंड फिगर में 45 लाख ले लिया। सर मेरा तो राउंड फिगर तो 10-20 का समझ में आता है, यहाँ पे तो आपने 4505 रुपये का राउंड फिगर कर दिया है। तो यहाँ पे राउंड फिगर अमाउंट भी तो देखो कितना है, 45 लाख। अगर आपका अमाउंट कम होता तो उसके अकॉर्डिंग राउंड फिगर करते हैं। वैसे कैलकुलेट करके देखना, पूरा तीन तीन तो 45 ही आना चाहिए, पूरा तीन तीन तक कैलकुलेटर में कर दो आप, क्या आ रहा है, हाँ तो 450 तो वही हो गया ना, मैंने 45,450,000 ही होगा, ठीक है। किसी का डाउट, किसी का डाउट है तो बताइए। सेल्स रिपीट कर दें, ये रहा ना सेल्स आपका, कैसे आया सेल्स, अभी बताया था और हर बार क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जब नीचे से ऊपर जाना होता है, ये देखिए सेल्स होता है 100, बीसी जितना भी है मैंने 40 माना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कंट्रीब्यूशन 40 था, तो हमने क्या करा, यहाँ पे देखा जाए तो ये था हमारा 100, और ये आपको पता चल गया क्वेश्चन में दे रखा है, बीसी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बीसी कितना दे रखा था, 60
ये दे रखा है। तो आपको अच्छे से पता है सेल्स को 100 मानोगे, इसमें से 66.67 को माइनस करोगे तो 33 पॉइंट आ जाएगा ये। तो इसको रिवर्स करके हम किसी पे भी जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन था 30, क्वेश्चन था 30। हाँ जी बताइए हिमांशु। इनकम टैक्स 35, EBIT कितने का है? 1 लाख का, तो 1 लाख का 35%, ठीक है ना, तो सीधा 35,000 आ गया आपका। मैंने यही तो समझाया है, 0.35 का मतलब आप कैलकुलेटर पे करिए, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.35, वो 35 ही आएगा। ओके, सिक्स सेवन क्या? अच्छा यहाँ पे अच्छा लगता है बच्चों ने ये लगा लिया होगा, है ये आ रहा है, फिर भी आएगा तो वैसे 30.33 है। ओके तो मैं यहाँ क्या करूँ, इसलिए डिफर आ रहा है 66 पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है, वो वही चीज़ था, मैंने देख लिया, बाकी कोई नहीं। 33 पॉइंट, बस खत्म, ठीक है, ये 33.3 आ जाएगा। हाँ तो वो आ जाएगा, वो तो थोड़ा सा करेक्शन है, क्वेश्चन तो पिछला ही है ना, आप खुद कर भी सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, ये तो हो गया जी सर, इसमें डाउट है किसी का? देखते हैं, क्वेश्चन में टाइम लगने वाला होगा तो नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे इसको। कैपिटल देता है हमें इतने का प्रेफरेंस शेयर सिक्योर डिबेंचर नेट सेल्स वेयर 1.6, EBIT 10%, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है और एस्टिमेटेड टू 5 लाख रुपीज़ फिक्स कॉस्ट है। ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज EPS इफ EBIT इंक्रीज बाय 10%। इसको नेक्स्ट क्लास में लेके चलते हैं, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा। कितने क्वेश्चन थे टोटल शीट के अंदर? 37, तो सारा क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा, इसमें से एक दो रह गए, 37। अगली क्लास में ऑफलाइन वालों का रजिस्टर भी चेक करेंगे और जो भी डाउट होगा उसको शॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी की कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दीजिए, अभी लेते हैं आप सभी का डाउट।